किया था, इसके बारे में खुलासा लोकायुक्ता और बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज ने दे चुका है, लेकिन मुझे अभी इस बात को लेकर रहना, मामला जब पूरे तौर से खत्म हुआ है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको वफ एक्ट के तब्दीली के लिए बनाई गई है, वहां मल्लिकार्जुन खड़गे और मेरे नाम को लेकर जो बहस हुई है, इसको लेकर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कर्नाटक राज्य में मेरा या मेरे पिताजी का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि वफ के साथ जुड़कर काम करने का हमें एक जो अवसर मिला था, कभी भी इसको इबादत के जैसा हमने काम किया है, और चाहे वो जिस किसी प्रकार का भी है ना जांच करवा ले, मैं उसके लिए हाजिर हूं, लेकिन बिना पूछताछ किए किसी का नाम लेना या नाम को उछालना, ये कहां तक सच है या कहां तक सही होगा, ये आपके माध्यम से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा। वफ का हर हमेशा काम इस रियासत में, कर्नाटक राज्य में, पूरे मुल्क के मुकाबले बेहतरीन से बेहतरीन काम चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की एक साजिश थी कि जिस तरह प्रकार से हमको ये कहावत है कि हीरे को काटने के लिए हीरे की हीरा ही काट सकता है, तो मुसलमानों को काटने के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल करके इस रिपोर्ट को बनाया गया है। जो कंप्लेंट स्वीकार हुए थे उन तमाम को लेकर है ना एक रिपोर्ट बनाया है, इसमें है ना कोई ना सच्चाई है ना इसके ऊपर कोई सही प्रकार से है ना आरोप लगे हैं। सिर्फ जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इन तमाम के नाम इस रिपोर्ट में डालकर एक तरीके से ना ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है। हमने अब तक ना ये कहा है कि चाहे वो जांच सीबीआई को दे या किसी को दे, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन बार बार अगर नाम उछालने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि डिफॉर्मेशन केस डालना पड़ेगा।